देश विदेश विच संगत टैलीविजन के दर्शकों, जिस तरह आप सब नूं पता ही है कि साडा ये प्रोग्राम जो 6 तो 7 7 तो 8 जो पंथक मसलियां दे उत्ते, कौमी मसलियां दे उत्ते, जो सिख कौम दे सियासी धार्मिक मसले होंदे ने उन्हां उत्ते विचार करन दा, उन्हां उत्ते सोचण दा और उन्हां उत्ते एक दूसरे सारे वीरां दे विचार लैण दा ये प्रोग्राम चलदा आ। सो ये संगत टैलीविजन जो संगतां दा टैलीविजन आ, संगतां वास्ते चलाया जा रहा और संगतां दी सेवा वास्ते ये हाजर आ। इस दे मालक हरगोबिंद पातशाह आप ने, कोई व्यक्ति विशेष इसका मालक नहीं, कोई संस्था इसकी मालक नहीं, जे मालक आ ते हरगोबिंद पातशाह आप ने। सो आओ आपां सारे रल के इस संगत टैलीविजन दे इस अदारे नूं, संगत टैलीविजन दे इस प्लेटफॉर्म नूं आपां उच्चा चुकण वास्ते आओ सारे आपो अपना योगदान पाइए, तां कि ये हरगोबिंद पातशाह दा जो ये प्लेटफॉर्म आ, ये सारी कौम वास्ते, सारी संगत वास्ते, सारे धर्म, सारे धर्मां वास्ते ये एक हो निबड़िया। आओ आपां इस अज दा जो प्रोग्राम आपां कर रहे हां, वह एक तो बरगाड़ी जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उस दे उत्ते जो इकट्ठ होया, उस दे बारे आपां विचार लवांगे, संगतां दे विचार भी लवांगे। तो दूसरा करतारपुर साहिब दा लांघा जो बड़े चिर लंबे समय तो मंग सीगी, वह शायद हुण खोल दिता जाए। इन्हां दोनां मुद्दयां दे उत्ते अज विचार कीती जाएगी। तो मेरे नाल जुड़ चुके हैं श्री गुरु सिंह सभा साउथहाल दे प्रधान साहब, मेरे वड्डे वीर मल्ली जी, उन्हां दे नाल बैठे हैं गुरमीत सिंह जी हांजरा जो श्री गुरु सिंह सभा हंसलो दे प्रधान ने, बड़ियां वड्डियां सेवावां ने उन्हां दियां वी मल्ली साहब वांगू। ते उन्हां दे नाल बैठे ने पंथक मसलियां दे बाबा बोड़ जो श्री गुरु सिंह सभा दे विच चंगा ते सच्चा काम कर रहे ने, सरपंच साहब दे नां नाल जाने जाते हैं, आप सब मेरे तो वध जानदे जे, उन्हां दे विचार भी सुणांगे। सो आओ आपां जो बरगाड़ी दे विच जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उस दे उत्ते अपने इन्हां वीरां दे विचार सुणांगे, तुहाडे विचार भी ले जाणगे। सिर्फ बरगाड़ी दे विच ही सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं हुई, पिछले थोड़े कु समय दे विच मेरा ख्याल आ कि वह सैकड़ों का भी अंकड़ा जिहड़ा सी वह पार कर गई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मसलियां नूं। पर ये बरगाड़ी का मसला जो सीगा, ये एक तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, दूजा चैलेंज किया गया, ये बहुत माड़ियां ते घिनौनियां हरकतां ने। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कोई हिंदू वीर नहीं करता, कोई मुसलमान भरा नहीं करता, कोई ईसाई वीर नहीं करता, कुछ एक शरारती अंसर इस तरह करके दूसरों के गल मड़ के अपने साढ़े इन्ना धर्मों के फरका पाना चाहता आ, उन्होंने आपस में लड़ा चाहता आ, उलझा चाहता आ। सो आप तो भी सुचेत रहना आ, तो जड़े इस बेअदबी के जिम्मेवार ने उन्हों सजावान देन का आप सारे हक रखते हैं, सारे आप मंग करिए, जुल्म के खिलाफ आप आवाज़ उठावे तो उन्होंने पापियां उन्होंने जालमान ठल पाने वास्ते आपे समय की सरकार, समय की हुकूमत, सिख पंथ, सिख कौम उन्होंने सजावान देने दे काबिल हो जाएगी। भावें कि जेडे इस बेअदबी के जिम्मेवार ने उन्होंने गोली आप नहीं चलाई, आप उन्होंने निशाना नहीं किसी बनाया, जिस तरह के जलियांवाले बाग दे विच जनरल डायर ने हुक्म दिता सीगा, पर वो उसकी कमांड संभाल रहा सीगा। देखो गोरियां तो बाद ताकत तो होर किसी कौम के कोल नहीं सी उन्होंने दिनों दे विच, फिर गोरियां ने भी जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा जे कोर्ट के चलाया। तो साड़ी जो हुण इस बड़े वड्डे मसले पर गुरु ग्रंथ साहब की एड्डी वड्डी बेअदबी हुई कि उन्होंने दोषियों फड़िया जाए, उन्होंने जेलों के सुटिया जाए जिन्होंने बेअदबी की और सिंघां शहीद किया। सो इस मसले के उत्ते मैं पहला सरपंच साहब नूं बेनती करांगा कि वह अपने विचार बरगाड़ी
जो मसला है जो अज काफ़ी उभर रहा और बरगाड़ी का जो मसला है जिवें मल्ली साहब हुणी दसणगे कि किस तरह इन्होंने प्रोग्राम श्री गुरु सिंह सभा वालों आउंदी 13 तरीक नूं 1 बजे रख्या होया। सो सारे वीरां नूं सारियां कम्यूनिटियां नूं सारियां ऑर्गनाइजेशनां नूं सारियां जथेबंदियां नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि सारियां उस दिन श्री गुरु सिंह सभा दे उस प्रोग्राम दे विच आओ, अपने विचार दिओ, दूसरों के विचार सुनो ता कि यह मसला किसी ना किसी तरीके दे नाल जिन्नी जल्दी हो सके इहनूं संभव किया जाए। सो सरपंच साहब तुसीं एक बरगाड़ी का मसला है अपने को अज तो एक करतारपुर साहब का लांघा आप दोनों मसलों की गल करनी है, तुम किस तरह संगत न अपने विचार साझे करते? वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। धनवादी हाँ संघ टीवी दे जिन्होंने सानू टाइम दिता क्योंकि आप संघ सभा 100 साल ने प्रोग्राम रख्या क्योंकि यह गुरु की व्याप्ति नालों होर कोई साढ़े ते बड़ा काम नहीं हो सकता क्योंकि सिख कभी भी गुरु की व्याप्ति नहीं सहार सकता। होर जो मर्जी साढ़े ते पवा आ रहे चल जाण जो मर्जी हो जाए पर गुरु की व्याप्ति साढ़े लिए जिन्हों असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह साडा जिदा असी जागदा गुरु मानते हाँ इस तरह है। सत संगत जी असी बेनती की कि जिन्हां 6 महीनों तो उन्हां सिंघां ने मोर्चा विढ़िया होया संगतां दे बहुत संगतां ने सानू कई बारी कहा कि तुसीं वड्डी संस्था हो तो तुसीं प्रोग्राम क्यों नहीं रखते गुरु ग्रंथ साहिब जी व्याप्ति बारे। पे प्रधान साहब ने सारिआं ने सलाह की कि भाई आपां क्योंकि अगे भी जिन्हें प्रोग्राम आ संघ सभा जरूर करदा पर संघ सभा कल्ला कोई संघ सभा वड्डा नहीं है। जिन्हें साडे संघ सभा ने साडे नाल भाई गुरमीत सिंह जी बैठे आए भी संघ सभा हंसलो तो होर जिन्हें गुरु घर इंग्लैंड दे जिन्हां जथेबंदियां वो सारिया ही सत्कारयोग आ क्योंकि माड़े मोटे तो बखरेवें हर पार्टी हर गलों च होंदे ने पर जिथे गुरु ग्रंथ साहब की गल आउंदी आ उत्थे असी अपना साडा कोई बखरेवा नहीं होना चाहिए कोई साडा एक दूए ते गिला नहीं चाहिए। मैं बेनती करा हाथ जोड़ के सारे वीरां नूं सारे प्रबंधक कमेटियां नूं सारिया जथेबंदियां नूं आपां इस गल तो उपर उठ के गुरु ग्रंथ साहब की व्याप्ति लई जिथे सिंघां ने मोर्चा लाया उस लई आपां उदण नूं विचार करने आ क्योंकि आपां की कर सकते हैं बाहरले किदां आपां उहनां ते दबाव पा सकते हैं। तो दूजा मसला यह है कि जिन्ना चिर जदों कहिंदे सियाणे कठ लोहे की लठ हुंदा भाई गुरदास जी लिखते ने कि जे घा दियां तिड़ां जे कली कली नूं तोड़ी जाइए तो टुटदियां पर जे कितें उहदा छुबड़ वट्टिया जाए तो कदी नहीं टुटदा। इस करके आपां इकट्ठे हो के उदण नूं विचार करिए कि आपां इंग्लैंड दियां जथेबंदियां जां इंग्लैंड दे गुरद्वारा ते जां इंग्लैंड दी संगत आपां की कर सकते हो आपां पूरा प्रैशर पाइए क्योंकि आपां नूं इह देखण नूं मिलिया कि जे खहरा भरा ते बैंस भरा दोनों इस करके एडा वड्डा इकट्ठ कर सकते ने मैं कहना धनता दे योग आ। हो दूजी गल रही करतारपुर लांघे की जी ढिल्लों साहब ने गल की हुणे तुसीं जिहड़ा देखते हो कि करतारपुर के लांघे लई मैं कहना कोई भी चंगी गल करता करतारपुर के लांघे लई कोई भी उहदे विच हिस्सा पाउंदा साडे लई सत्कार योग आ। उत्थे सरदार कुलदीप सिंह वडाला 20 साल जां 18 साल वह गए बिना किसी बेचारे गल तो गां तो उन्होंने हर मसिया ते जाके अरदास की अरदास करके सरकारां नूं भी मिले उस वेले जिस वेले सरकार मनमोहन सिंह दी सी उन्हां नूं भी वह मिले भी भाई करतारपुर का लांघा साडे गुरु नानक पातशाह अखीरले 15-20 साल उस करतारपुर रहे उन्होंने खेती की सिखाया भी जिहड़ा सिख आ वह किड्डा किरती आ। इस करके करतारपुर का जिहड़ा लांघा करतारपुर का गुरद्वारा साडा बहुत वड्डा इतिहासिक गुरु घर आ वो पर सानू उहदी जगह वो साडे लई राह खुल सकदा कि मैं एक बेनती करा कि साडे नहीं खुलन दे रहा है ये बड़े दुख की गल आ। जिहड़ा भी उस करतारपुर लांघे की गल करता जे सिद्धू ने की जां होर किसी ने की उन्होंने ISI ना मिला दिता गया और साढ़े ही मेरे वीर पंथक होने वाले जिहड़ियां सरकारां दे विच रहे उहो ही साढ़े उन्होंने कही जाते कि तुसी वीरो जिहड़ा भी इस गल लई मैं तुहानू बेनती करदा यह पार्टी बाजी तो उपर उठ के ये दोनों ही धिरां नूं मैं ये बेनती करा कि सरकार ते सेंटर सरकार ते तुहानू दबाव पाउणा चाहीदा ते सानू भी इकट्ठिया हो के बाहरले गुरद्वारिआं नूं दबाव पाउणा चाहीदा कि असी उस गुरद्वारा उस लांघे की किदां लांघा लैणा
क्योंकि जिन्हां बंदियां ने बेचारे ने भी साल इस गल ते मेहनत की असी उन्हूं सिरे चाढ़ीए कि साडी संगत जिहड़ी आ उस लांघे नूं जाके गुरु घर मत्था टेक सके वह इधरले पासे आ जाए उधरों भी संगत आउण ते इधरों भी आउण। बहुत छोटी गल आ कोई वड्डी गल नहीं पर असी एक दूए ते ईरखा ना रखीए कि मैं जे कर लिया तो मेरे ते जुम्मे जांदा इत्थे ए ना लईए इत्थे गल गुरु की करिए। मैं ये बेनती करदा पर एक बार फिर बेनती करदा साडे प्रधान साहब करनगे भी भाई तुसी सचड़े 13 अक्तूबर नूं 1 बजे आओ आपां आण के ते विचारां करिए आपां निरपक्ष विचार करके आपां कित्थे पहुँचना आपां दबा किदां पाउणा आपां वैसियां नूं किदां मिलना पाकिस्तान वैसी नूं भी इंडियन नूं वैसी नूं भी भाई ये तुसी रोल अदा करो साडे राह लई। इन्हां कहिंदा खिमां दा जाचकियां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन सरदार हरजीत सिंह जी सरपंच जिन्हां ने बड़े विस्तार दे नाल बरगाड़ी दी जो बेअदबी हुई उस उत्ते ते और करतारपुर साहब का जो लांघा जो साडे गुरु नानक पातशाह का ये मिशन आ सिद्धांत आ सिख कौम का यह सिद्धांत आ कि सारी दुनिया एक हो जाऊगी सारी दुनिया नूं एक अपने कलावे दे विच लैण वास्ते जो गुरु नानक पातशाह ने सानू मिशन दिता हो आप इस मिशन वल वधीए जो बिच बार्डर ने जो जो बिच इहो जिहियां लकीरां खड़ियां कर दित्तियां गईयां कंधां खड़ियां कर दित्तियां गईयां आपां इहनां नूं मिटाउण वल वल आपां ज़्यादा ध्यान दईए मनुखता की भलाई वल सोचिए मनुखता नूं एक करन दी गल करिए। सो हुण मैं सरदार मल्ली साहब वल आवांगा कि मल्ली साहब जो ये तुसीं एक तो बरगाड़ी गोली का कांड और बरगाड़ी का जो मसला सीगा इहदे उत्ते जो 13 तरीक नूं प्रोग्राम दे रहे हैं और दूसरा करतारपुर साहब का लांघा इन्हां मसलियां नूं लै के तुसीं जो 13 तरीक नूं अक्तूबर नूं प्रोग्राम अपने श्री गुरु सिंह सभा दे विच रख्या है तुसीं उहदे प्रधान हो संगतां नूं किस तरह अपील करोगे उन्हां नूं कि तुसीं उस उहदे विच वध-वध पहुंचो। थैंक यू जी। सब तो पहलां तो संगत टीवी का असीं बहुत धन्नवाद करते हैं कि जिहड़ा इह बहुत ही जरूरी प्रोग्राम सारियां संगतां तक पहुँचाउणा साडा बणदा सी ते सोशल मीडिया राहीं ते टीवीआं राहीं भी सारियां संगतां नूं जिहड़ी बेनती कीती जा रही है कि जिन्नियां भी जथेबंदियां गुरद्वारे जां होर जिस तरह के भी अदारे जिहड़ियां चैरिटियां सेवावां सिखां नाल संबंधित आ जां नॉन सिख भी हैगे आ क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सभनां दा सांझा गुरु है। सो मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ तक जाना चाहुंदा क्योंकि जिहड़ा गुरु महाराज की बेदबी की गल है ये बड़े लंबे समय तो हुंदी आ रही है। सो ये अज जां कल की गल नहीं लेकिन अज का जो माहौल बनया होया उहदे उपर सारिया ही पार्टियां अपनी अपनी पार्टी दीआं वोटां बिल्ट करन वास्ते अपनी अपनी पॉलिटिक्स की जा रही है जिहदे विच सिख कौम का गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत वड्डा नुकसान हो रहा और जो सत्कार माण असी गुरु साहिब करके करते हाँ उस दे विच जिहड़ी जिहड़े अणजाण ते अणभोल लोग हैगे जिहड़े गुरु नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते आ उह वी इस जतिती दे विच हन कि किस बंदे नूं असी सच्चा मनीए ते किस नूं झूठा मनीए पर जिहड़ा संगतां दी अप्रोच नाल गुरु घरां दी अप्रोच दे नाल जो सांझे तौर ते इह 13 अक्तूबर दैन सनिचरवार पार्क एवेन्यू साउथ हाल विखे जो प्रोग्राम लिखिया गया है ये मजोरिटी गुरु घरां दी सहमती दे नाल इक इकट्ठ पंथक इकट्ठ बुलाया जा रहा है ताकि इहदे उपर पोलीटिक्स नूं छड्ड के इहदे उपर विचार किया जाए कि जो जिन्हां लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है जां करवाई है उन्हां नूं उन्हां दीआं बणदीआं सजावां क्योंकि इंडिया का कानून भी कहिंदा है कि जदों कोई भी आदमी किसी धर्म के वरखिलाफ़ बोलता है जां उहदा निरादर करता है जां भड़काऊ बयान दिंदा तां उहदे ते केस बणदे आ लेकिन पिछले लंबे समय तो ये सारिया जिहड़ियां कारवाइयां उह प्रोपर तरीके दे नाल जिहड़ियां संगतां महसूस करदियां नहीं होईयां लेकिन असी अज समय की सरकार लई इह इक मंग करदे आ क्योंकि समय दियां सरकारां दी जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़ी भी सरकार उस टाइम है उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़े लोगों ने यह कोताही की आ गुरु महाराज की बेअदबी करके लोगों को भड़काया है ठेस पहुँचाई है उन्होंने जिहड़ी सज़ा जिहड़ी बनती है वह दी जाए। सो साडा मोटिव सिर्फ तो सिर्फ इको ही है कि असी सारे पंथ नूं ते गुरु ग्रंथ नूं मुख मन के अकाल तख्त दी दे निशान साहब थले असी इकट्ठे हो के अपने वितकरे भुला के असी जे मंग करिए क्योंकि जिहड़ा गुरु ग्रंथ है
ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿਛਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਪਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
सिखां तो उन्हां नूं दूर करन लई उन्हां दे कार्यकाल दे विच ही सब तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुंदी है। एक कड़ी तुहानूं जोड़नी पएगी। और कमाल की गल है कि जिहड़ी संस्था जिहड़ा अकाली दल है इस गल नूं पढ़न दे विच बिल्कुल फेल रहा है, जदों सत्ता सी उदों भी ते सत्ता तो बाहर आके भी। सो ये जदों तक उन्हां नूं यह अहसास नहीं हुंदा कि उत्थे सिखां दे विच ते अकाली दे विच अकाली दल दे विच जिहड़ी है की कहिंदे हुंदे ने पाड़ा पाउण वास्ते ये जो है कार्य किए गए ताकि होर पार्टियां कामयाब हो सकन। सिखां दे विच जिहड़े अकाली दल का आधार बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अकाली दल सिखां दी रहनुमाई करन वास्ते ही 198 साल पहलां बनाया गया सी। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਸਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰ ਜੋੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ, ਬੈਠੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੌਂਸਲੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MPਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 50% ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੌਂਸਲੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਵਧਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਗਰ
जो है माण वधा रहे ने तो सानू इन्हां वीरां सारिआं दा नौजवानां दा साथ देना चाहिए है और जिहड़ी रवायती साडीआं अकाली पार्टी है उहनूं इह खास तौर पर ध्यान रखने की लोड़ है कि वह सिखां दी रहनुमाई करदे हन सिखां दे आगू हन तो उहनां नूं सिख भावना की कदर करनी पएगी वरना हमेशा लई अकाली दल कितें हिस्ट्री बन के ना रह जाए। सो ये सानू सारा ही सोचण की लोड़ है और सानू बहुत जरूरत है कि असी अपने आप इंटलैक्चुअल लैवल ते उत्थे लैके जाइए जिथे असी गलबात नाल अगर कन्विंस कर सकीए ना कि सानू डंडा चुकन की लोड़ पए ना कि सानू हथियार चुकन की लोड़ पए क्योंकि हुण दुनिया बदल चुकी है हुण विचार दा युग है हुण सरकारां कोल इन्ने वड्डे हथियार हन साडी कृपान साडी जो है एक रिवॉल्वर साडी AK-47 जी लै लोगे तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अज मिजाइलां दा युग है तो कोई भी बंदा गुरिल्ला वार लड़ के अजकल सरकारां नूं नहीं हरा सकता। आपने देख लिया है कि सीरिया दे विच की होया है सीरिया जो है इन्नी सारी दुनिया की ताकत जिहड़ी है उन्हां नूं हथियार पहुँचाउंदी रही मगर क्योंकि गवर्नमेंट दे कोल बैटर हथियार सन उन्हां कोल बैटर ऑर्गेनाइजेशन सी वो फिर उन्होंने सारे ही वो जिहड़े ग्रुप फ्रिंज ग्रुप सन जिन्हें उन्होंने हथियार गवर्नमेंटां ने दे के बाहर देशां दीआं ने वो देश नूं तोड़न की कोशिश की उत्थे सीरिया की गवर्नमेंट प्रवेल कर गई तो वह बाकी सारे ही वह ग्रुप हार गए। सो सानू यह सीखण की लोड़ है इन्हां सारीआं घटनावां तों तां कि असी होर परपक्क हो सकीए सिक्खी दे विच अपने जो है जज्बे नूं कायम रखदिया होया सानू अवश्य इन्हां सारिआं मसलिआं दे उत्ते जित प्राप्त होएगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सो सानू सरदार गुरमीत सिंह जी जिन्हां ने अपने विचार दिते उन्हां दे अपने विचार सीगे जो श्रोमणी अकाली दल जां होर राजनीतिक पार्टियां बारे दिते ने। हुण मैं चलांगा सरपंच साहब गुणा गुण फिर दुबारा आवांगा कि जो दो मसले ने बरगाड़ी का मसला और करतारपुर साहब का लांघा जो बरगाड़ी का मसला है वह तो सारिया धिर रल के एक थान से कट्ठिया हो गए एकत्र हो गए आओ आप सारे रल के उन्हां दोषियों नूं सजावां दवाईए। बाकी गल जो करतारपुर साहब का लांघा आ साध संगत जी सिख कौम किसी भी बार्डर नूं नहीं मंनदी अज सिख कौम दुनिया के हर खेत्र दे विच बैठी आ दुनिया के कोने कोने विच बैठी आ जिथे भी कि दुनिया के विच कोई माड़ी घटना वापरती आ उत्थे उन्हां दी हैल्प करती आ। जे आपां करतारपुर साहब का लांघे की गल करते हैं तो एक बहुत छोटा जिहा काम आ क्योंकि जे यूरोप दे इन्ने कंट्री इकट्ठे हो सकते ने विचों कंधा बॉर्डर कढ़ सकते ने तो आपां क्यों नहीं उस बॉर्डर नूं खत्म कर सकते जदों कि दोनों देशों दीआं सरकारां इह कह चुकियां ने। पर इहदे विच वड्डी गल सरकारां दी ही अड़चणिआं पंत अड़चणिआं जनतक तौर पर जनता वालों दोनों पासिआं दीआं जिहड़ी आवाम आ उह काला आ कि बॉर्डर विचों खोल दित्ते जाण सिर्फ करतारपुर का लांघा ही नहीं सारे ही बार्डर खोल दिते जाण जिस तरह यूरोप दे विच खोले ने साडा भी एक क्योंकि असी भी जदों उधर मर्जी जा सकीए पाकिस्तान दे वीर भी जिहड़े इधर आण के जो उन्होंने इधर कोई धार्मिक स्थान ने हिंदू वीर जो उधर धार्मिक स्थान ने ईसाइयां दे ने वह भी उन्होंने जाके हिफाजत कर सकन उधर उधर जा सकन। सो सरपंच साहब तुसीं किस तरह बरगाड़ी और करतारपुर साहब के लांघे नूं ये जो दो मसले ने किस तरह सिख पंथ दे नाल इन्हां नूं सुझाउण दी गल करो। जिवें सरदार गुरमीत सिंह जी ने एक गल की है ना बरगाड़ी बारे ढिल्लों साहब मैं एक बेनती करा कि बरगाड़ी का का जिहड़ा साडा गुरु ग्रंथ साहब तुसीं मल्ली साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा बेअबदियां हुई इस कोई शक नहीं कोई दो रहा नहीं पर एक इस मसले नू पता होवे एक पार्टी ने एक बंदे ने एक डेरे ने चैलेंज किया होवे कि असीं किया साडा जो मर्जी बिगाड़ लो और सरकार नूं जां एजेंसियां नूं पता होवे कि ये कैन कीता है ना जी ते गल आ कि उस बंदियां ते उन्हां सिंघां ते जिन्हां ने शांतमई उत्थे वो नाम जपदे होण उन्हां ते किते बिला विधा किसे गल तों बिना ही वो गोली चलाई जावे और उत्ते तां सानूं बेअबदी बारे ते सानूं की देना सी ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअबदी बारे सानूं उहदा सचसलीयत की देनी सी उहदा इंसाफ सानू की देना सी इंसाफ दे वट्टे साडे दो सिंघ शहीद कर दित्ते है ना जी दो सिंघां दी शहादत हो गई मुड़ के भी उन्हां बंदियां नू फड़िया नहीं गया जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअबदी की उन्हां बंदियां नू शरेआम खुले फरम दिता गया कि होर सिखां दे जख्मां ते लूण पाया गया। फिर एक हुण आई पार्टी उन्होंने कहा कि भाई असीं कमीशन बहालांगे और बहालिया कमीशन डॉक्टर अपने ने साडे चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने बहालिया
उन्हें आप ही कमीशन बहाल के एक पासे तो तुसी कमीशन बहाल दे एक पासे अज असी ये नहीं कहते असी कहने कोई भी दोषी आ जिहड़ा उहदा जिन आर्डर दिता है ना जी आर्डर गृह मंत्रालय दिंदा है ना जी ते जां दिंदा डी जी पी ते जां दिंदा एस डी एम कलैक्टर हुंदा जिले का जिन्होंने भी ये चो आर्डर दिता तो जिन्होंने गोली चलाई आ असी उन्हूं कहने कि कमीशन तुसी बहालिया आपां यही चाहते हैं कि असी उधर नूं दबाव पाईए सारे कट्ठे हो के भी जिन्होंने कमीशन बनाया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सज़ा जरूर दिओ साडा ये दबाव आ है ना जी तो सज़ा दिओ क्योंकि एक तो जिहड़े दो कातल आ बड़े दुख की गल आ ढिल्लों साहब एक सरकार मतलब सरकार हुंदिया होया साडी सरकार हुंदिया होया जिहनूं असी पंथ कहिंदे आ उहदे हुंदिया होया अणपछाते बैकतियां ने गोली चलाई इहदी एफ आर आई दर्ज सी ये किड्डी बड़ी दुख की गल आ कौन आ गया साडा मैं मतलब उत्तों उठ के आ गया पाकिस्तान तो आ गया कोई कोई चीन तो आ गया जिन्हें गोली चलाई आ ये बड़े दुख की कहानी आ अणपछाते बैकतियां ने गोली चलाई ये सानू ये दीदा कि साडे नाल किन्ना धोखा होया ते किन्ना साडे ते जुल्म होया साडी सरकार हुंदी आ ये बहुत दुख की गल आ ये जरूर नंगी होनी चाहिए आ ये उन्हें शायद जिहड़ा हैगा कमिश्नर रणजीत सिंह जस्टर उन्हें की होगी भी भाई कैन किया तो कैन गोली चलाई आ तो किहड़े बैकती आ किहड़े पुलिस ऑफिसर आ ये जरूर उन्हें ये गल की होगी असी कहने कि जिहड़ी कमिशन ने रिपोर्ट बनाई आ कि किस पुलिस वाले ने गोली चलाई आ कैन ये मतलब कि आर्डर से चलाई आ उन्होंने ये जरूर सज़ा मिलनी चाहिए आ दूजी गल हैगी करतारपुर लांघे की तुहाडे सामने उन्होंने चीफ ने कहा कि भाई असी 550 साल से तुहाडा ये लांघा दे देना जिहड़ा उन्होंने जरनल आ मिलटरी का तुहानू पता कि पाकिस्तान दे विच सारी जिहड़ी पावर है मिलटरी कोल आ जे वह कहिंदा जफ्फी पा के सिद्धू नूं ते कड़ी वधिया गल आ की उहने माड़ा कीता भी जे भी लांघा दे देना जे तुसीं चीन दे नाल साडी बाहर की लड़ाई लगी हज़ारां सैक्शी हज़ारां साडे इंडियन जिहड़े बंदे सी मतलब उत्थे शहीद हो गए किड्डी वड्डी लड़ाई सी अज भी साडे नाल उत्थे कदी उन्नी साडी जगह मिली आ हिंदुस्तान दी इंडिया दी किन्नी जगह मिली आ अज भी ते जे तुसीं उहदे नाल तुहाडा एक तीर्थ आ मान सनोवर झील जिहड़ी आ तुसीं उह लै के ते उत्थे तुसीं दर्शन करन जा सकदे आ ते साडा करतारपुर दा लांघा सिखां ने गुरु नानक पातशाह ने तक तो वह एक जो गुरु ग्रंथ साहब है कितने इकले सिखा का जी ये सारी मनुखता लई आ गुरु नानक पातशाह तो सारी भी मनुखता लई आ उन्होंने करतारपुर का लांघा जिहड़ा सारी मनुखता लई आ तुसीं उहदे लई कोई कोई वड्डा काम नहीं जे पाकिस्तान कहिंदा कि असीं तुहाडे 550 साल ते खोल देना गल कोई नहीं इन्नी जगह उधरों दे देनी ते इधरों लै लैनी गल कुछ नहीं है एक तार लाउणी आ पर उत्थे एक सिखां दा होण नाते साडे नाल असीं इह गल कहिंदे आ कि उत्थे साडे नाल इनसाफ करो सानू वो जगह कोई वड्डी गल नहीं है जदों के अकालियां ने पहला मोर्चा लाया हुंदा सी कि सानू जिहड़ी आ हरिमंदर साहब की बाणी आ ये रिले होवे मतलब रेडियो ते वह साडी गल नहीं मनी गई कदी भी किन्ने मोर्चे अकालियां ने लाए अज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कृपा नाल हरिमंदर साहब तो बाणी सारी दुनिया के विच सुनाई जा रही है ये गल हैगी कि गल चेते रहिंदी आ कि पर उदों साडियां मंगां मनन ते वह नहीं दित्ती गई अज जिहड़ा कल नूं पता नहीं की आ जाए पर अज हिंदुस्तान की सरकार नूं मैं आपां जोर पाईए कि भाई तुसीं उन्नी जगह सानूं लै के दिओ वो साडा हक बनदा जे तुसीं चीन दे विच उस मानसरोवर झील ने जा सकते हैं उत्थों जगह लै सकते हैं उत्थों रस्ता लै सकते हैं तो साडा रस्ता क्यों नहीं दिंदे तुसीं जे दूजा वो पाकिस्तान वाले कहिंदे भी कोई नहीं असीं दिंदे आ है ना जी असीं ये नहीं कहिंदे कि तुसीं आह करो पर साडे लई वह रस्ता जरूर इंडिया नूं पर एक गल मैं जिवें कहा गुरमीत सिंह ने बड़े दुख की कहानी आ ये गल साडी पार्टी आ मां पार्टी आ जे सिखां दी एक पार्टी आ किते ये हिस्टरी दे विच किते ऐसा ना हो जाए कि सानू एड्डी वड्डी ढाल लगे साडे कोई पोलिटिकल पार्टी जिहड़ी आ साडी मां पार्टी वो साडी एड्डी दूर चले जाए जिथे कि सिख परां हट जाण ये जरूरी अज सांभण दी उस पार्टी नूं भी लोड़ आ सानू उस पार्टी की भी लोड़ आ उस पार्टी असी कि सामभना वो जो सानू अज मिल नहीं रहा वो असी कि लैना यह भी साडे लिए बहुत सोच की गल आ कि सोचनी पेगी सिखा बी जे पार्टी जे जिस कौम पोलिटिकल पार्टियां नहीं होंदिया ना जी वह कौम नहीं रहिंदियां क्योंकि जरूरी धर्म ले नाल पोलिटिकल होना भी जरूरी आ इस करके सानू साडी पार्टी भी नहीं गुआचनी चाहिए कल मैं देखा ही ढींसा साहब आए उत्थे अपने दरबार साहब
उन्होंने बड़े मैं वो कल नहीं उन्हें बड़िया वधिया वह हिंट दे गए बड़ा काम कर गए बहुत ही सोहनिया गल कह गए है भई मतलब बनाई सी साड़ी जिहड़ी आ उन्होंने जिहड़ी अपनी जोरा सिंह कमीशन है वो हस के दस गए भी भाई उस कमीशन ने की किया हुण ये बनाया कैप्टन साहब ने रणजीत सिंह कमीशन जिहड़ा जस्टर का है ना जी है वह भी जस्टर है वह भी जस्टर हुण कितें ये गल फिर ना उदा ही रह जाए भी आम ही मतलब सिखा फिर ना कुछ मिले है ना जी अज उन्होंने बेचारिया ने जो साढ़े सिंह ने मोर्चा लाया छे महीने तो उन्होंने मोर्चा बड़ा सक्सेसफुल आ पर जिमें एक गल एक कह गए ये भी ढिलों साहब बहुत तकड़ी गल आ जिदा उन्होंने सारियां नूं गल्लां कीतियां ना सारियां लई नाल रल के अपने ने बैंस भरावां ने ते खहरा साहब ने मैं कहना इसी तरह सानूं करनियां चाहीदियां सानूं हिंदू वीरां नूं भी उस मतलब इंसाफ दे नाल लैणा चाहीदा सानूं मुसलमाना वीरां नूं भी नाल लैणा चाहीदा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सारी मनुखता का सांझा आ असी कल नूं कितें कुरान शरीफ नाल गल हुंदी आ कल नूं कितें गीता नाल हुंदी आ असी जरूर उहदे विच हर वक्त क्योंकि साढ़े तो नहीं आ पर उन्हां नूं भी साढ़े नाल इस गल लई जरूर जिवें उह रले आ रलना चाहीदा धन्नवादी आ उन्हां दे इस गल लई पर खहरा साहब ते जो चार तीन चार बंदे आ जिदा इन्हें कहा मैं एक गल कर दिया कि जनाह कहिंदा जनाह नूं कहिंदे काजी कि तू पंज नवाजी नहीं हैगा है ना जी तू आ नहीं हैगा पर वह कहिंदा मैं मुसलमानां दा वकील आ मैं एक गल करदा भवें यह अमृतधारी ना हो खहरा साहब होनी पर गल है क्या भी सिखां दी पंथ दी जो गल दी लोड़ आ वह अज वो कर रहे इस करके आपां सिखां नूं सानूं उन्हां दे नाल जरूर लड़ना चाहिए उन्हां नूं जरूर उस उन्हां नूं बेचारियां नूं हल्लाशेरी देनी चाहिए आ क्योंकि जिड्डा वड्डा वह इकट्ठ कर गया बैंस भरा ते खहरा ये सारी जी आपां जो मर्जी कहीए यह सारा उन्हां लई जांदा उन्हां नूं इह जांदा सेरा क्योंकि उन्हें किया पर एक गल दस दिता सिखां ने भी भाई असीं किसे पार्टी नाल नहीं असीं गुरु ग्रंथ साहिब नाल आ इस तरह आपां इंग्लैंड दे सिख दसीए आपां उदण नूं इत्थे आईए सिंघ सभा आ के अपने अपने विचार आपां करिए उन्हां दे विचारां दे विच्चों आपां रोल गल कढ के आपां सरकारां ते दबाव पाईए कि सानूं भाई इंसाफ चाहिए मेरे ये विचार सो ये सन सरदार हरजीत सिंह जी सरपंच जिन्होंने बरगाड़ी जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है सत संगत जी मैं तुहानूं ये दसदा चलां कि हिंदू धर्म नहीं चाहुंदा कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होवे जो मुसलमान वीर नहीं चाहुंदे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होवे ईसाई धर्म नहीं चाहुंदा बुद्ध धर्म वाले नहीं चाहुंदे सिख नहीं चाहुंदे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होवे ये कुछ एक राजनीतिक चंद बंदे ने जिहड़े कि हिंदू सिखां नूं मुसलमानां नूं और सारियां कौमां नूं आपस विच लड़ा के वो अपने मनोरथां नूं पूरा करना चाहुंदे ने आओ आपां उन्हां नूं पछाणीए ते दूसरा ये जो दो मसले ने बरगाड़ी मसला और करतारपुर साहब का लांघा करतारपुर साहब के लांघे नूं राजनीतिक ना बनाया जाए ये एक सिख कौम का एक जज्बाती मसला आ सिख कौम के नाल जुड़िया होया आ सिख कौम तो दुनिया के थां थां ते जाके लंगर लाने वाली आ थां थां ते जाके लोगों दुख बनाने वाली आ कितने सीरिया के सारे बॉर्डर क्रॉस करके मेरा वीर रवि सिंह उत्थे पहुँच गया जाके जिन्ना जिन उन्हां 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 भुखियां नूं निमाणियां नूं जाके उन्हां दी सेवा की जिथे कि यूनाइटेड नेशन ने उन्हां नूं शायद नोबल पुरस्कार वास्ते उन्हां दा नाम नोमीनेट किया बड़ी वड्डी माण वाली गल आ कुछ सिख चाहते ने कि जिस तरह यूरोप दे विच सारे देश कट्ठे ने सारे एशिया दे विच भी सानू सारे सारे देश इस तरह कट्ठे रहन जो बॉर्डर के उत्ते इन मिलटरी और इन फोर्सा इकट्ठिया की गई ने उन्होंने खत्म किया जाए हुण मैं फिर सरदार मल्ली साहब को आवांगा मल्ली साहब तुसी बरगाड़ी का जो बेअदबी आ और करतारपुर साहब का लांघा आ थोड़े किस तरह संगत मुखातम ढिल्लों साहब जिस तरह तुसी हुणे आप ही गल कर रहे थे कि कोई भी किसी भी धर्म का इंसान जिहड़ा हैगा जिहड़ा धर्म नूं मनदा वो कदी भी किसी धार्मिक ग्रंथ की गुरु ग्रंथ साहब की ज होरना ग्रंथों की बेअदबी दे दा हामी नहीं है वो हमेशा कंडेम करता लेकिन आप जे समय नूं विचारीए जदों जदों विधानसभा ते पार्लीमेंट दीआं इलैक्शनां स्टेटां दे विच आउंदियां ते इंडिया दे विच वापरदियां क्योंकि सारा साल उत्थे इलैक्शनां हुंदियां रहिंदियां ते उन्हां इलैक्शनां तों तकरीबन एक साल पहलां धर्म के नाँ के उपर जिहड़े अपने लड़ाई झगड़े करवाए जाते हैं वह पोलीटिकल पार्टियां के हिस्से आते हैं बिल्कुल जी तो जिहड़ी 19 की इलैक्शन आदे वास्ते जिहड़ा एक साल पहला जिहड़ा ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो बरगाड़ी का जिहड़ा मसला सी दो सिंह शहीद होए उत्थे सैकड़े सिंह जख्मी होए होर नुकसान होया
वह एक बड़ी मंदभागी घटना सी, लेकिन सानू जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने धर्म चलाया वह एक मनुखता का धर्म सी। उन्होंने कदे धर्म की गल नहीं सी कीती, उन्होंने एक मनुखता की गल कीती सी। ते उस मनुखता नू लै के अज इंटरनेशनल सिख जिहड़ा हैगा, इंटरनेशनल सिख जिथे भी वसदा, जदों कोई भी गल पंजाब च होवे, इंडिया च होवे, इंडिया तो बाहर होवे, चाहे वह सुनामी होण, चाहे वह अर्थक्वेक होवे, ते सिख पहले दिन सिख उत्थे जिहड़ा उस सेवा विच हाजिर हुंदा जाके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपां कह सकते हैं कि 1984 की आपां गल कर लिए, हज़ारां की गिणती च, लखां की गिणती च सिख शहीद किए गए, दिल्ली दे विच हज़ारां की गिणती विच जिहड़ा बेपत किया गया, सिख नूं उन्हां नूं लुट्टिया गया ते मारिया गया। लेकिन जे आपां पुराने पेपर कढ़ के देखी जां मीडिया कढ़ के देखिए, किसी ने कोई बयान नहीं दिता भी बहुत मंदभागी घटना सी। लेकिन सिख ने जिथे कितें भी अत्याचार होया, जिवें आपां हुणे तुसीं सीरिया की गल करके हटे हाँ, उत्थे साडे जिहड़े वीर लंगर ला रहे आ और दुनिया च एक मैसेज दे रहे आ भी असी जिहड़ी सेवा एक मनुखता दे नाते कर, असीं धर्म दे नाते सेवा नहीं कर रहे, असीं मनुखता दे नाते सेवा कर रहे हाँ। जिहड़ा बरगाड़ी का मसला, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मसला, तो शहीद सिंघां का मसला है, वह भी क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक देव जी की सोच, जिहड़ा उन्हां दा मिशन सी 239 साल लग के उन्होंने पूरा किया। तो अज का जिहड़ा जिहड़ा मसले, दोनों मसले ये गुरु नानक देव जी दे नाल लिंक होंदे आ, 550 साल उन्हां दी शताब्दी आ रही आ। तो दूसरे पासे साडी यही बेनती है कि आपां बड़ा कुछ सिखां ने पिछले 50 सालां च, जां आपां कह सकदे वी जदों दा देश आज़ाद होया उदों तों लै के देश दी आज़ादी च मेरा ख्याल 2-2.5 लख सिख उदों भी जी 1947 की खत्म हो चुकी हाँ। तो जो असी पिछोकड़ निगाह मारते हाँ, टाइम टू टाइम ऐसे ऐसे बादशाह, ऐसे ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने ये अनाउंस कर छड़िया कि सिख खत्म कर दिते, पर अज 21वीं सदी के 45 लख सिख बाहरले देशों के जिहड़ा कि सैल्फ फंडिंग, सैल्फ जिहड़ा वो अपनी सेवा निभा रहे। और जे आपां पंजाब की गल करिए, इस यूके की धरती तो तकरीबन पिछले 2 साल पहला एक पंजाबी पंजाब टाइम्स न्यूज़ छपी सी कि 400 मिलियन पाउंड की सेवा जी हैगी कल यूके तो जाती है। सो इस तरह जिहड़ियां जिहड़ियां सेवावां चल रही हैं, ये असी कदे काउंट नहीं करते, पर आओ सानू अज लोड़ है, क्योंकि जब तक साडा ये कंसैप्ट असी इनू अंडरसटैंड नहीं करते, एक पंथ, एक ग्रंथ ते एक निशान साहब, बेशक साढ़े वक्रे वक्रे तरीकों के वक्रे वक्रे जिहड़े साडियां संस्थावां हैगियां हन, साढ़े वितकरे हैगे आ, पर साडा जिहड़ा हर सिख का जिहड़ा धुरा वह गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़िया होया, हर सिख का धुरा उस अकाल तख्त साहब दे नाल जुड़िया होया, जिन्हें भी सिख इंटरनेशनल बाहर जाके वसे हुए हैं, साडा धुरा उस पंजाब की धरती नाल जुड़िया होया। साडियां जनरेशन च जिन्नियां मर्जी जनरेशन चले जाण, लेकिन साडा पिछोकड़, असीं उस पिछोकड़ नूं भुला नहीं सकांगे। सो साडा मुद्दा उस पंजाब नूं लै के, उस गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नूं लै के आपां इकट्ठियां हो के उस चीज़ नूं, उस इंसाफ नूं आपां अचीव करन वास्ते, साढ़े हजे 84 दे मसले जां दिल्ली दे मसले उत्थे इंसाफ साडा उस स्टिल पेंडिंग पिया हैगा, ये एक साडा होर नवां इन्ने 10 सालों दे विच खड़ा होया। तो नाल दी नाल 550 साल जो गुरु नानक देव जी का गुरपुरब शताब्दी आ रही है, उन्हूं मनाउण वास्ते, वो दर्शन दारे करने वास्ते जो असी अरदासा कर रहे हैं कि मैं देखा भी बड़े लोग जदों ये न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तान ने कहता जी असी ये रास्ता खोल देना, मेरा ख्याल बहुते लोगों ने भावुक होकर अखा च अथरू देखे, बहुत बहुत सोहना सोहना उपराला सी उन्हां दा। सो साडी तां यही बेनती है कि आओ आपां 13 तरीक नूं दिन एतवार सैचरडे 1 बजे पार्क एवन्यू साउथ हाल गुरुद्वारे साहब पहुँच के इकट्ठे होके, क्योंकि श्री गुरु सिंह सभा का इकट्ठ नहीं, इस सारिया संगतों का इकट्ठ है। सो आप इस ते विचारां करके कोई सल्यूशन लभीए, ताकि आने वाले समय के आप जिहड़ा ये वधिया मैसेज जिहड़ा अपने देश की धरती पहुँचा सकी। सो साध संगत जी, ये सन सरदार गुरमेहर सिंह जी मल्ली, जो श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान ने,
और उन्होंने बड़े विस्तार नाल दस्या कि आओ आप इकट्ठे हो के एक परेड फार्म से इकट्ठे हो के एक गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी के सारे या धिर सारिया जथेबंदियां सारे सारे गुरु घर एक एक जगह के इकट्ठे हो गए एक थान के इकट्ठे हो गए इस मसलों का हल कढ़ीए तो हल जरूर निकल आएगा। आओ आप सैचरडे शनिचरवार को आप श्री गुरु सिंह सभा साउथ हाल एकत्र होइए इन मसलों का हल लभीए ताकि जो मसले ने इन्हों सुलझाया जा सके। हुण मैं गुरमीत सिंह जी तुहाडे कोलों फिर दुबारा आवांगा कि तुसीं वी बड़े लंबे समय तो हंसलो गुरु घर की सेवा कर रहे हो पंथ दियां बड़ियां तुसीं चंगियां सेवावां निभाइयां ने किस तरह तुसीं इन्हां दोनों मसलों इन्हों किस तरह सामअप किया जा सकता किस तरह कौम नूं इकट्ठियां करके इन्हां दोनों मसलों का हल जिहड़ा कढ़िया जा सकता। चलो साहब इहदे उत्ते जिहड़ी सब तों वड्डी जरूरत हैगी है ना कि ये तो मनना पेगा कि असी वक्खर वक्खरियां संपर्तावां वक्खरियां वक्खरियां पार्टियां नूं सपोर्ट करदे आं पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी गल हुंदी है पंथ दी गल हुंदी है अकाल तख्त साहिब दी गल हुंदी है एक ग्रंथ एक पंथ दी गल हुंदी है उदों सानूं सारे नूं इकत्र हो जाणा चाहीदा क्योंकि साडा मिनीमम प्रोग्राम तो सारे का यही है कि गुरु नानक साहिब दे सिद्धांत नूं जो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साडे कोल है उहनूं असीं सारी दुनिया तक पहुँचाउणा है और उन्हों ता ही असीं पहुँचा सकते हैं जी सिख वक्रे वक्रे प्लेटफॉर्म ते रह के सारे दे सारे सिख ये हमेशा याद रखन कि साड़ी जिहड़ी वचनबद्धता है वह गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल है तो असी जदों भी साडे दे उत्ते साडे कोर सिखी दे उत्ते अकाल तख्त ते अटैक हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब ते अटैक हुंदा है साडी मर्यादा ते अटैक हुंदा है उहदे असी इकत्र होना है तो उहदे नाल जो होएगा कि सरकारां सानूं सुणनगियां। इस वेले यह है कि पंजाब दे विच ही जिहड़ियां तीन पार्टियां ने चार हुण वैसे कह सकते हैं पर वह चार ही जिहड़ियां ने उहनूं राजनीतिक तौर पर इस सारे नूं देख रही ने मगर सिंसियरिटी नाल जिहड़ी साडी सब तो वड्डी धिर है जिहड़ी सिखां दी धिर है वह तो नाल तुर ही नहीं रही वो तो कहिंदी कि जिहड़े बरगारी च बैठे हुए हन वह अतवादी हैं वह तो ISA दे एजेंट हैं जदों पंथक तौर पर पंथक पार्टी इस तरह का बयान देगी तो असी जिहड़े साडी मजोरिटी कम्यूनिटी है जिहड़ियां मजोरिटी मीडिया है उस चीज़ नूं उछालेगा तो उहदे नाल जिहड़ा सिखां दा अक्ष खराब होएगा। तो इस करके बहुत जरूरी है कि असी जो भी बयान देईए बड़े संयम नाल देईए क्योंकि उत्थे जिहड़े भी साडे वीर बैठे हैं उहनां दे विच दर्द है कहदा गुरु ग्रंथ साहिब दी होई बेअदबी का तो अज वह देख लो कि उन्हों का दर्द जिहड़ा है उन्होंने उत्थे बैठन नाल करीब चार साढ़े चार महीने हो गए हैं हुण इन्नी मुहिम चल पई है कि बाकी जिहड़े है सिख जुड़ने शुरू हो गए हुण इन्नी वड्डी 7 तरीक नूं 3 जिहड़ियां ने कन्वेंशन होंदियां ने उस इलाके च मगर जिथे लखां दी गिनती है वह गुरु ग्रंथ साहिब दे पिछे ते बाकी पार्टियां ने 300-300, 500-500 रुपये दे के शराबा दे के बंदे इकत्र करने की कोशिश की है तो कितने 25,000 तो कितने 50,000 तो वध बंदा इकत्र नहीं होया अखबारों नूं पैसे दे के जिन्ना मर्जी झूठ बोलन पर तस्वीरां बोलदियां ने सच बोलदा है कि एकत्रता जिहड़ी सी उह बरगाड़ी दे विच होई जिथे कि हर एक सिख वह भावें कांग्रेस दे विच है भावें आम आदमी पार्टी च है भावें अकाली दल च है उहदी वचनबद्धता गुरु ग्रंथ साहिब नाल है वह अपनी जान देने नूं तैयार रहिंदा है गुरु ग्रंथ साहिब दे वास्ते क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सिद्धांत ही इन्ना वड्डा है एक दा सिद्धांत है सारी मनुखता नूं एक करन दी गल है होर किते तुहानूं इह सिद्धांत नहीं मिल सकता और इस करके ही गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते बार बार जो है अटैक हुंदे हन साडी विचारधारा दे उत्ते अटैक हुंदा है और सानूं इह खास तौर पर याद रखना चाहिए है सिखां नूं कि सिख हिंदुस्तान दे विच वी हर कोने कोने बैठे हुण दास वी UP तों है तो इस करके पंजाब दे सिखां नूं खास तौर पर साडी लीडरशिप नूं और विदेशी सिखां नूं हमेशा बहुत सोच के बयान देना चाहिए है क्योंकि साढ़े एक बयान दे नाल बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मैं आप जी नाल छोटी जी घटना शाहजहानपुर की सांझी करना चाहुंदा हाँ रखड़ी दे त्यौहार दे लागे उत्थे एक किसी परिवार ने गुरुद्वारे बिल्कुल गेट दे अगे जाके दुकान लगाती रखड़ियां बेचण दी सेवादार बाहर आए उन्होंने कहा जी तुसीं इत्थे नहीं लगा सकते कोई नौजवान मुंडा सीगा तुहानूं पता है बच्चों के गर्मी थोड़ी ज़्यादा हुंदी है उन्हें एकदम कितें उह डंडा मारिया कुड़ी दे पैर ते लगा उहदे नाल ही दंगे भटक गए सिखां दी प्रॉपर्टी का बहुत वड्डा नुकसान होया चलो सिख इकत्र हो गए उन्होंने अपना बचाव कर लिया मगर बहुत सारिया गड्डियां तबाह हुई गुरुद्वारा साहब नूं बहुत सारी जिहड़े इट्टां रोड़े मारे गए सो इह साडी अजकल हिंदुस्तान दे विच जो कहिंदे आ कि असहनशीलता बहुत हो गई है एक छोटी जी घटना नूं दो बच्चों की दो बंदियां की माड़ी जी लड़ाई नूं कम्यूनल बना दिता जाता है तो उहदे नाल एकदम अग भड़क जाती है कोई नहीं सोचता
ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 550 ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਓਪਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲੇ ਜੋ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੋ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੌਥਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 550 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕੀਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।